314 के प्राइस पर, और अब आउटलुक जानना चाहते हैं तो इनके भाव के आसपास ही आस्था ये ट्रेड कर रहा है, क्या सजेशन होगा आपका इनके लिए? बेसिकली इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे सजेशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये काफी वॉलेटाइल रह सकता है काउंटर, तो अगर ये लॉन्ग टर्म का ही नजरिया रखते हैं तो बिल्कुल होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस में यहाँ थोड़ा डीप दूंगी क्योंकि अगेन वॉलेटिलिटी एक कंसर्न है। 230 का एक स्टॉप लॉस लगा के मेरे हिसाब से अपनी पोजिशन को लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यू रखें, 380 से 420 का लक्ष्य है सर। इन्होंने सेम सेगमेंट की कंपनियां ले ली हैं और नुकसान इनको हो रहा है काफी, क्योंकि ऊपर की बाइंग है इनकी HPCL में स्पेशली, तो दोनों पर अब आपका आउटलुक क्या होगा? जी बिल्कुल, काफी यहाँ पे ऊपर की बाइंग है और जिस तरह से यहाँ मेरे हिसाब से स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया है तो इन्हें बिल्कुल यहाँ पे लंबा होल्ड करना पड़ेगा, तो विचार यही है कि अगर लंबा पेशेंस रख सकते हैं तो होल्ड करें यहाँ पे, लेकिन अगेन स्टॉप लॉस 220 का रहेगा। 220 की स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं ले रही हूँ क्योंकि आई थिंक ज्यादा नहीं है, यहाँ से 20-30 रुपए नीचे है, सो 220 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी मैं एक बार दीपाली इनका कॉस्ट प्राइस सुन नहीं पाई तो फिर भी मैं राय देना चाहूंगी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी ये बने रहे, लेकिन अगेन 120 का एक स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजिशन को कर लें। तो दो अगर वर्थ हो तो ग्रीव्स कॉटन में 143 इनका परचेजिंग प्राइस है, थोड़ा सा नुकसान है, और टाटा केमिकल्स में 345 के आसपास का प्राइस इन्होंने बताया है, तो वहां भी अपना आउटलुक दीजिए। सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी टाटा केमिकल्स में, यहाँ पे काफी बढ़िया मुनाफे पे ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म यहाँ पे बोला है तो बिल्कुल बने रहिए, 650 का स्टॉप लॉस देना चाहूंगी। और अगर ये एक्चुअली ये स्टॉप लॉस हम इसलिए देते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ वॉलेटिलिटी हुई या बहुत ज्यादा नेगेटिव कुछ न्यूज कंपनी में आई तो इन्वेस्टर यहाँ पे बचा रहे, उस हिसाब से मैं ये स्टॉप लॉस दे रही हूँ, बट 650 का अगर ट्रिगर भी हुआ तभी भी बढ़िया मुनाफे में ही रहेंगे, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही दोनों सबसे पहले इसमें बने रह सकते हैं टाटा केमिकल में, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लीजिए 650 का, तो आप सेफ साइड पे रहेंगे और लॉन्ग टर्म बहुत पॉजिटिव है इस कंपनी का। इम्पैक्ट केमिकल स्टॉक्स मुझे काफी बढ़िया लगते हैं, 800 के टारगेट्स भी यहाँ पे हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल ग्रीव्स कॉटन पे था, ग्रीव्स कॉटन में भी मैं अभी सलाह दूंगी कि बने रहें, इसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ बड़ी उठापटक नहीं है और इनकी प्राइस से अभी आसपास ही है, बट 120 या 123 का स्टॉप लॉस लगा ले, सो ग्रीव्स कॉटन में 123 के स्टॉप लॉस के साथ और टाटा केमिकल में 650 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है। तो होल्ड करने की सलाह है दोनों ही स्टॉक्स, एक में तो आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है लेकिन अभी भी होल्ड कीजिए, पोटेंशियल यहाँ से ऊपर जाने का भी है। संजय चौधरी हमारे साथ हैं न्यू दिल्ली से, संजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मुनाफे में है और IGL में भी प्रॉफिट्स में है, रख सकते हैं, प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं। गैस स्टॉक्स पर तो इनफैक्ट आउटलुक यहाँ से काफी पॉजिटिव है, आस्था मुनाफा इनको लेना चाहिए या फिर रखें ये स्टॉक्स? जी बिल्कुल, गैस स्टॉक्स यहाँ पे काफी पॉजिटिव है और इनफैक्ट आने वाले एक साल के लिए तो मुझे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में काफी बढ़िया यहाँ पे तेजी रखती है, सो कोई नुकसान नहीं है अगर बने रहेंगे। सबसे पहले महानगर गैस की मैं बात करूँ तो बिल्कुल इनकी कॉस्ट प्राइस से तो काफी ऊपर चल रहा है, तो आराम से बने रहें, 850 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, सॉरी 950 का एक स्टॉप लॉस लगा लें और अपनी पोजीशन को यहाँ पे कंटिन्यू करें, आगे चलते हुए 1100 तक के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस पे मैंने सजेस्ट करूंगी 990-980 के स्टॉप लॉस लगा लें और इसमें भी कंटिन्यू करें, दोनों ही स्टॉक फंडामेंटली बढ़िया है, साल भर का नजरिया रखें और अपनी पोजिशन को कंटिन्यू करें। दोनों स्टॉक्स होल्ड करने की सलाह है, यही आउटलुक है। हर्षद सचदेव हमारे साथ हैं अब राजकोट से, हर्षद जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार, बड़ा कंग्रेचुलेशन बनता है कि MRF जैसा स्टॉक आपने 1755 के भाव पे खरीदा और अभी भी ये स्टॉक 67,000 का है, आप 90,000 के हाइस की बात कर रहे हैं लेकिन अभी भी आप देखिए आपके बाइंग प्राइस से तो कितने शानदार मुनाफे में आप, ये होता है पेशेंस और अच्छे स्टॉक्स को लेकर बैठना। और MRF में आशा 80,000 के लेवल्स भी इन्होंने देखे हुए हैं और 1700 का स्टॉक इनका 67,000 का हो गया है, तो मल्टीफोल्ड गेन्स इनको मिले हैं, अब बताइए क्या करना है? बिल्कुल, गेन्स को यहाँ पे कंटिन्यू करना है जो स्टॉक में इनको मिल रहे हैं, और क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे काफी मतलब नीचे आया है क्योंकि 80,000 से जो हाई देखा उसके बाद इतना टूटा है, तो एक चीज का ध्यान रखें कि 61,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उसको प्लीज क्लोजली वॉच करें, उसके नीचे आया तो थोड़ा हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट गहरा है,
लेकिन चांसेस काफी कम है, बट स्टिल 61,000 के एक लेवल को यहाँ पे क्लोजली वॉच करते हुए अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करिए। आगे जाते हुए अगेन इन्हें 73,000 74,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर अच्छा मुनाफे में है, ये प्रॉफिट्स ले लें थोड़े या फिर रखें अभी भी? बेसिकली रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने गुड नाइट यहाँ पे गोल्ड करके एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, और मेरे हिसाब से वो ऑल ओवर इंडिया भी लॉन्च करेंगे। पहले इन्होंने साउथ इंडिया में किया था, तो वहां से काफी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे आनी चाहिए। इनफैक्ट इनका जो हेयर डायर है गोदरेज का, वो भी यहाँ पे उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे अनुष्का शर्मा को अपॉइंट किया है। तो मेरे हिसाब से जब इस तरह से कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप होती है, तो वो काफी ज्यादा फायदा कंपनी को देती है आगे चलते हुए। सो हर तरह से ये कंपनी मुझे तो बढ़िया लगती है, बिल्कुल मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। लेकिन अगेन 670 का लेवल क्लोजली वॉच करें, अगेन उनकी कॉस्ट प्राइस तो काफी ऊपर है, उसके नीचे जाए तो थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी में थोड़ी गिरावट प्राइस में गिरावट गया है, लेकिन चांसेस कम है, बट स्टिल 670 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह दूंगी।